Hello and welcome to the online classes of computer architecture. It's lecture first of week third and I hope के you guys are doing well and आप लोगों ने previous 2 weeks के online जो lectures हैं वो पढ़े होंगे। बट आप लोग ना तो कोई questions पूछते हैं और ना हमारे online classes पे कोई feedback दे रहे हैं। तो kindly अगर आप लोगों को प्रीवियस जो लेक्चर्स है उनमें कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। बट बिफोर आई स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर आई वुड लाइक टू हैव अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन द पास्ट 2 वीक्स इन द पास्ट सॉरी इन द पास्ट लास्ट वीक। सो लास्ट वीक हमने स्टडी किया था स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने फिर स्टडी किया था सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड रैम, इनपुट आउटपुट एंड इंटर कनेक्शंस एंड सिस्टम ऑफ इंटर कनेक्शंस। इसके बाद हमने डिस्कस किया था जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, वेरियस जनरेशंस हमने पढ़ी थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन एंड सो ऑन। इसके बाद हमने पढ़ा था ENIAC, विच वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एंड ENIAC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर। जो चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी थी तो काइंडली आप लोग प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कर ले। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे जो मेन टॉपिक है वो है कंप्यूटर कंपोनेंट्स। व्हाट आर एक्चुअली द कंप्यूटर कंपोनेंट्स, हम थोड़ा सा इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जो फर्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट लास्ट वीक में हमने पढ़ा था। लास्ट वीक में हमने पढ़ा था जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ENIAC। ENIAC वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दैट वॉज प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल इसका मतलब ये है कि हम एक ही स्ट्रक्चर से या एक ही हार्डवेयर से थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स, थ्रू डिफरेंट इनपुट्स, थ्रू डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सो ENIAC में ये प्रॉपर्टी मौजूद थी कि कंप्यूटर सिर्फ वही एक स्ट्रक्चर है, वही एक ही कंपोनेंट से यूज हुए हैं, लेकिन हम उससे डिफरेंट फंक्शंस ले सकते हैं, डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ENIAC में मसला ये था, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको एक फिगर भी बताई थी जिसमें जो वर्कर्स थे वो वायर्स को अनप्लग और प्लग कर रहे थे। तो वो एक्चुअली क्या कर रहे थे, वो एक्चुअली ये कर रहे थे कि एक ही फंक्शन के लिए, एक ही टास्क के लिए वो डिफरेंट वायर के कनेक्शंस यूज करते हैं, फिर दूसरे टास्क के लिए वो उसी वायर्स को अनप्लग करके दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में लगा लेते और अपना काम या अपना टास्क कंप्लीट करते थ्रू ENIAC। सो दैट वॉज द मोस्ट सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ ENIAC कि आप लोग क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट वायरिंग की कॉन्फ़िगरेशन वो सेट करते हैं। तो एक्चुअली दैट वाज अ डीमेरिट ऑफ ENIAC। सो इसके बाद क्या आ गया, उसके बाद एक जिस तरह मैंने कहा था कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन वॉन न्यूमैन, उसने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर लिया जिसको उन्होंने नाम दिया स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का ये मतलब है कि हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU, उसके पास उसके साथ कनेक्टेड एक रैम भी होना चाहिए, एक मेमोरी भी होनी चाहिए जिसमें जिसमें प्रोसेसिंग के दौरान डेटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड हों, ताकि जो जो टास्क CPU परफॉर्म करें उसको डेटा और इंस्ट्रक्शंस उसी रैम से उसी टाइम पे मिले। ऐसा ना हो कि एक डिफरेंट टास्क के लिए हमने ENIAC की तरह डिफरेंट वायर्स कनेक्ट करने पड़े। तो ये जो आर्किटेक्चर था इसको स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट की बेस पे इंट्रोड्यूस करवाया और इसको वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहते हैं। तो आजकल जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं या उस टाइम के बाद से जो कंप्यूटर्स आ रहे हैं मार्केट में या जो यूज़ हो रहे हैं वो इसी आर्किटेक्चर पे बेस्ड हैं। जिस तरह आप लोगों को पता है कि हर एक कंप्यूटर में प्रोसेसर भी होगा, रैम भी होगा, इनपुट आउटपुट्स भी होंगे, लेकिन मेन जो कंसेप्ट है वो ये है कि प्रोसेसर के साथ अटैच्ड हो रैम या मेमोरी। सो
सो दैट वॉज एक्चुअली द वन न्यूमैन आर्किटेक्चर। और आजकल जो कंप्यूटर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो इसी आर्किटेक्चर पे बेस्ड हैं, ठीक है। सो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर हैज़ द फॉलोइंग थ्री कॉन्सेप्ट्स। इस आर्किटेक्चर में थ्री मेन कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन अ सिंगल रीड राइट मेमोरी, ठीक है। रीड राइट का मतलब ये है कि हम उसमें डेटा रीड भी कि हम उससे डेटा रीड भी कर सकते हैं और उसमें डेटा राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। रीड और राइट का मतलब ये है कि हम उससे डेटा ले भी सकते हैं और उसमें हम डेटा रख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये रीड एंड राइट ये एक्चुअली जब हम प्रोसेसिंग करते हैं या जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो ऑन द बैक साइड ये रीड एंड राइट ऑपरेशन मुसलसल हो रहे होते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता कि क्या हो रहा है, लेकिन हमें सिंपल जस्ट डिस्प्ले पे हमें आउटपुट नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन मस्ट बी ऑन द मेमोरी, ठीक है। अब आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि यार डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में किस तरह पड़े होते हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट आप लोगों के एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करनी पड़ती है। और वो विंडोज़ हम नॉर्मली कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, सी में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो सी जो है वो एक्चुअली हार्ड डिस्क का एक पोर्शन है, ठीक है। वो मेन मेमोरी या मेन मेमोरी वो नहीं है, वो एक्चुअली सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बायोस में जो प्रोग्राम्स ऑलरेडी हमने कंपनी में बर्न किया होता है उसके थ्रू ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम या पूरी विंडो सी से उठ के कहाँ पे आ जाती है, सी से उठ के रैम पे आ जाती है, ठीक है। तो ये विंडोज़ एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस होते हैं बहुत सारे जो रैम में पड़े रहते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हम फॉर एग्जाम्पल एक मूवी प्ले करते हैं, ठीक है। मूवी प्ले करते हैं तो मूवी कहाँ पे पड़ी रहती है, डी में पड़ी रहती है या ई में। तो हम जब उसको वीएलसी के थ्रू डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाती है। तो वो क्या हो जाता है, वो डेटा हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ पे चली जाती है, रैम पे चली जाती है। और इंस्ट्रक्शंस अब क्या है, इंस्ट्रक्शंस अब ये वीएलसी प्लेयर है जो जिस जिन्होंने इसको बनाया है, तो उसके पीछे डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस काम करते होंगे जिसकी मदद से ये हमें ये मूवी चलाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये अब ये मूवी और वीएलसी प्लेयर का जो प्रोग्राम है वो अब कहाँ पे पड़ा है, वो अब रैम पे मौजूद है, ठीक है। और प्रोसेसर वहाँ से इसी मूवी के डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को उठा के प्रोसेस करता है और हमें मूवी चला के हमें स्क्रीन पे नज़र आती है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एग्जाम्पल जो हमें रैम पे पड़ी रहती है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी, तो जब बिजली चली जाती है तो रैम से वो डेटा और इंस्ट्रक्शन फुली रिमूव हो जाती है और डेटा जो या फिल्म जो है वो हमारे पास इसी तरह हार्ड डिस्क में पड़ी रहती है और इंस्ट्रक्शंस वो उड़ जाती है, ठीक है। इसके बाद यह है कि कंटेंट्स और लोकेशन एड्रेसेबल विदाउट टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो रैम में कंटेंट्स पड़े होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रैम है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ये लोकेशंस है, इसको हम कहते हैं मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। ये मेमोरी लोकेशंस हैं, इन लोकेशंस की अपनी अपनी एड्रेस होगी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एड्रेसेस। तो मेमोरी एड्रेसेबल मींस के इस मेमोरी को हम एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह हम अपने दोस्त के पास जाते हैं, उससे कोई चीज़ लेते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए कि हम उस दोस्त के या उस फ्रेंड के घर घर पे चले जाएं और वहाँ पर उससे कुछ डेटा हासिल कर लें। तो इसका मतलब ये है कि ये रैम जो है ये भी एड्रेसेबल है, ठीक है। एड्रेस के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है और ये टाइप ऑफ कंटेंट से इररिस्पेक्टिव है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किसी किस्म की भी डेटा हो सकती है,
इंटीजर डेटा हो सकती है, फ्लोट डेटा हो सकती है, कैरेक्टर डेटा हो सकती है, कुछ भी डेटा हो सकती है। और हम इन सारे टाइप्स ऑफ डेटा को हम किस चीज़ के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, एड्रेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो इस लास्ट पॉइंट के, इस सेकंड पॉइंट का ये मतलब है, ये जो मैंने ये क्या है यहाँ पे, इसका ये मतलब है लोकेशन एड्रेसेबल। इसका मतलब है कि मेमोरी जो लोकेशन है उसके अपनी अपनी एड्रेस होंगी, ठीक है, और विदाउट टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी, कि मेमोरी में कौन सी किस्म की डेटा पड़ी है उसे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन एड्रेस के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन अकर इन सीक्वेंस, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस होते हैं। जो प्रोग्राम होते हैं वो इसी तरह एक लाइन होती है, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ठीक है। सीक्वेंस मतलब यह है कि प्रोसेसर पहले इसको प्रोसेस करेगा, फिर इसको प्रोसेस करेगा, फिर इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा, फिर इस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करेगा, ये सारा सब कुछ इन अ सीक्वेंस ये प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो इन तीनों का ये मतलब है, ये इन तीनों कॉन्सेप्ट्स का ये मतलब है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हार्डवायर्ड प्रोग्राम, ठीक है। हार्डवायर्ड प्रोग्राम ये एक्चुअली उसी की अ लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन है जो हमने इन ये के केस में पढ़ा, कि हमने एक टास्क के लिए वायरिंग रीवायरिंग करनी है, रीवायरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये उसी का लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन है। तो हार्डवायर प्रोग्राम इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ लॉजिक गेट्स हैं, ठीक है, कुछ डिजिटल डिवाइसेस हैं, उसको हम कनेक्ट करते हैं। किस चीज़ के लिए कनेक्ट करते हैं, एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और वो टास्क ये लॉजिक गेट किस तरह परफॉर्म करता है, वो डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी स्टोर करता है, और उसी डेटा पे फिर एरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमें क्या देता है, आउटपुट देता है, ठीक है। सो लेट सपोज हमारे पास ये एक सिनेरियो है कि हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस है, लॉजिक गेट्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक हो गया लॉजिक गेट, ये दूसरा लॉजिक गेट हो गया, ठीक है, इसी तरह फ्यू लॉजिक गेट्स हो गए, ठीक है। और ये सारे लॉजिक गेट जो है ना, ये हमारे पास क्या करता है, हमारे लिए एक फंक्शन परफॉर्म करता है ये सारे, ठीक है। ये सारे एक ही फंक्शन को परफॉर्म करता है, और इसको हमने एक खास सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हैं। इसी तरह ये एक एग्जांपल है, ठीक है, आपको हार्डवायर्ड प्रोग्राम की जो एग्जांपल है वो मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये अब हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस है, लॉजिक गेट्स हैं, ये बाइनरी डेटा स्टोर करती हैं, और इसको हम अगर इसी फैशन में कनेक्ट करते हैं तो ये हमारे लिए एक टास्क परफॉर्म करता है। अभी मसला क्या आएगा, अभी मसला ये आएगा कि या मैं या दूसरा यूज़र इसी हार्डवेयर से कोई दूसरा काम लेना चाहते हैं, तो वो क्या करेगा, इसी इन्हीं वायर्स को वो अब क्या करेगा, रिमूव करेगा, और इसको किसी दूसरी तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके उसी टास्क को परफॉर्म करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रिमूव कर लिए, ठीक है, दूसरा बंदा इसको उसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए किसी दूसरी तरीके से कनेक्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल वो इस तरह कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अब मसला क्या आएगा, मसला ये आएगा कि हर एक डिफरेंट टास्क के लिए हमने उन्हीं लॉजिक गेट्स को डिफरेंट कम्बिनेशंस में कनेक्ट करने होंगे, ठीक है। तो इसके लिए फिर मसला ये होगा कि एक टाइम कंज्यूमिंग होगा, वायर्स चाहिए होंगे, और हर एक टास्क के लिए हमने डिफरेंट कनेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में इन लॉजिक गेट्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको एक्चुअली क्या कहते हैं, इसको एक्चुअली हार्ड वायर्ड प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम मीन्स कि हम इन लॉजिक गेट्स को अ सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दें, तो ये इंस्ट्रक्शंस इन हार्डवेयर को किस किस के थ्रू मिलेगा, इन वायर्स के कनेक्शन के थ्रू मिलेगा, ठीक है। तो ये एक मसला था कि हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं, डिवाइसेस हैं, लेकिन हम उससे काम इस तरह नहीं ले सकते, बल्कि इस तरह लेंगे कि हर एक टास्क के लिए हमने इन लॉजिक गेट्स को, इन डिवाइसों को डिफरेंट तरीके से कनेक्ट करने होंगे, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ हार्ड वायर्ड प्रोग्राम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम
हार्डवायर्ड प्रोग्राम कहते हैं। सही है। अब फिर इसी के बाद हार्डवायर्ड प्रोग्राम के बाद इसमें जो मसला आ रहा था उस मसले को हल करने के लिए क्या आ गया, जनरल पर्पस हार्डवेयर। तो जनरल पर्पस हार्डवेयर ये है कि हम लॉजिक गेट्स या हमारे पास जो डिवाइसेस हैं उनसे हम इस तरह का एक डिवाइस कंस्ट्रक्ट कर लें कि उसमें फिर वायरिंग की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि हर एक टास्क के लिए हम उसको किसी दूसरे तरीके से उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल्स देंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जनरल पर्पस डिवाइस, ठीक है, ठीक है। जनरल पर्पस कॉन्फ़िगरेशन या जनरल पर्पस हार्डवायर, हार्डवायर की एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जो हमारे लिए एरिथमेटिक और लॉजिक फंक्शंस करता है, ठीक है। और दिस हार्डवेयर विल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑन डेटा डिपेंडिंग अपॉन कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे कि हम इसी जनरल पर्पस डिवाइस से डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेंगे, और वो डिफरेंट टास्क किस पे डिपेंड करेंगे, वो डिफरेंट टास्क इन कंट्रोल सिग्नल्स पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। आगे आप लोगों को समझ आ जाएगी कि व्हाट आर एक्चुअली दीज कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। हमारे पास हार्डवायर्ड यूज़र जो है वो ओनली प्रोवाइड डेटा एंड कॉन्फ़िगरेशन विल प्रोड्यूस रिजल्ट्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी एक हमारे पास ये एक हार्ड एक जनरल पर्पस डिवाइस है, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है लॉजिक गेट्स हैं जो एक्चुअली क्या परफॉर्म करता है, बाइनरी डेटा स्टोर करता है और लॉजिक एंड एरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमें टास्क देता है, ठीक है। तो उसको हम डेटा देंगे और साथ में कंट्रोल सिग्नल्स देंगे, ठीक है। अब व्हाट आर एक्चुअली दिस कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। डेटा तो यहाँ से मिलेगा लेकिन ये हार्डवेयर जो है, ये डिवाइस जो है, ये इसकी एक ही कंस्ट्रक्शन होगी और एक ही कंस्ट्रक्शन मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करेगा और वो मल्टीपल टास्क वो डेटा पे परफॉर्म करेगा। तो वो मल्टीपल टास्क वो किसके थ्रू करेगा, उसे किस तरह पता चलेगा कि ये टास्क पहली वाली टास्क से डिफरेंट है, तो वो एक्चुअली इन कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू इस जनरल पर्पस डिवाइस को पता चलेगा, ठीक है। इसकी मिसाल ये है ना कि हमारे पास जो कंप्यूटर है उस पे हम थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। कोई एडोब फोटोशॉप यूज़ करता है, कोई मेटलैब यूज़ करता है, कोई मूवीज़ देखता है, कोई एडिटिंग करता है, कोई प्रोग्रामिंग करता है, कोई वर्ड में टाइपिंग करता है। तो इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर वही एक कंप्यूटर है, इंटरनली वही कंपोनेंट्स है, उसी तरीके से जिस तरह कंपनी वालों ने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हैं उसी तरह कनेक्टेड है, लेकिन हम सिर्फ क्या करते हैं, हम डिफरेंट प्रोग्राम्स उनको देते हैं और उन्हीं डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू यही एक ही कंप्यूटर हमारे लिए डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। तो ये एक्चुअली कंट्रोल सिग्नल्स किसके थ्रू देते हैं हम, इसको कंट्रोल सिग्नल्स एक्चुअली डिफरेंट मिलते हैं तभी ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। और ये डिफरेंट ये कंट्रोल सिग्नल्स इसको किस तरह किसके थ्रू मिलेंगे वो आगे अभी हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो क्या है, हमारे पास जो हार्डवायर्ड प्रोग्राम है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डिवाइस को उन्हीं लॉजिक गेट्स को डेटा प्रोवाइड करते हैं और सिर्फ और सिर्फ डेटा प्रोवाइड करते हैं और फिर वो अपना फंक्शन करता है थ्रू टू एरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस और हमें आउटपुट देता है। इसके मुकाबले में ये जो जनरल पर्पस हार्डवेयर है इसको हम क्या देते हैं, डेटा भी देते हैं लेकिन साथ में कंट्रोल सिग्नल्स भी देते हैं कि इसी डेटा पे ये यही वाला टास्क करना है, ठीक है, तभी ये हमें क्या देगा, रिजल्ट देगा। और इसके मुकाबले में हार्डवायर्ड में क्या मसला था, हार्डवायर्ड में ये मसला था कि उसको हम डेटा देंगे सिर्फ और सिर्फ और उसके थ्रू फिर क्या देगा, वो हमें रिजल्ट देगा, इसको हम कोई कंट्रोल सिग्नल्स नहीं देते, ठीक है। तो हार्डवायर्ड में हम क्या करते हैं, उसमें हम वायर रिवायरिंग की कंपैरिजन में हम क्या देते हैं, कंट्रोल सिग्नल। नाउ क्वेश्चन ये है कि हम कंट्रोल सिग्नल को किस तरह प्रोवाइड करेंगे जनरल पर्पस हार्डवेयर को, ठीक है।
तो एक्चुअली हम इसको थ्रू अ प्रोग्राम प्रोवाइड करेंगे जनरल पर्पस हार्डवेयर को, ये जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं। नाउ व्हाट्स अ प्रोग्राम एक्चुअली? प्रोग्राम इज एक्चुअली अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स मीन्स सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, जिस तरह हम स्टेप बाय स्टेप कोई काम करते हैं और एट द एंड हम पूरा काम कर लेते हैं, ठीक है। सो एट ईच स्टेप सम एरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस इज परफॉर्म ऑन डेटा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जनरल पर्पस हार्डवेयर है, हम उसको डेटा देते हैं और साथ में उसको इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल सिग्नल्स देते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम देते हैं, और प्रोग्राम फिर किस चीज़ पे, किस चीज़ में, किस चीज़, क्या होता है उसमें? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सीक्वेंस ऑफ कोड्स होता है। हर एक सीक्वेंस के या हर एक कोड कोड के लिए अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है ऑन द डेटा, ठीक है। एट ईच स्टेप अ कंट्रोल सिग्नल इज जनरेटेड। हम जो प्रोग्राम में हर एक कमांड देते हैं या हर एक लाइन लिखते हैं ना प्रोग्राम में, उसके बदले में कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर में एक पोर्शन होता है जो उसी हर एक प्रोग्राम के लाइन के लिए क्या जनरेट करता है? कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। और उसी कंट्रोल सिग्नल पे फिर हमारे लिए कौन एक्ट करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका मतलब यह है कि अ कंपोनेंट इन प्रोसेसर इज प्रेजेंट विच इंटरप्रेट कोड एंड जनरेट कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है। इसका मतलब यह है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट या एक डिवाइस ऐसी भी होगी जो हमारे लिए क्या करेगा? हमारे लिए उसी प्रोग्राम को किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा? कंट्रोल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सो व्हाट्स एक्चुअली कंट्रोल सिग्नल? इट्स एक्चुअली एन इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड जीरोस, ठीक है। और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम हम अपनी मर्जी के अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। सो इंस्टेड ऑफ रीवायरिंग फॉर अ न्यू टास्क, वी नीड टू प्रोवाइड अ न्यू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कोड। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक जनरल पर्पज़ हार्डवेयर है, और अगर हम उसी से कोई न्यू टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंप्यूटर की रीवायरिंग नहीं करेंगे, बल्कि उसको कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इन द फॉर्म ऑफ कोड, ठीक है। एंड ईच कोड इज एन इंस्ट्रक्शन एंड अ पार्ट ऑफ प्रोसेसर जनरेट्स अ कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम ईच इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ईच कोड या हर एक कोड क्या है? वो एक्चुअली इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और इसी इंस्ट्रक्शन पे फिर क्या होता है? एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है, और उसी कंट्रोल सिग्नल को फिर कौन परफॉर्म करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म करता है, ठीक है। तो एट द एंड दिस सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन आर कोड इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम डेली लाइफ में ये बात सुनते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर है, इसके लिए ये सॉफ्टवेयर है, उसके लिए वो सॉफ्टवेयर है। लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कोई एक ही सॉफ्टवेयर होगा जिसको हम या कहते हैं कि एडोब फोटोशॉप। तो एडोब फोटोशॉप में ऐसी इंस्ट्रक्शंस होगी कि वो इंस्ट्रक्शंस कि उन इंस्ट्रक्शंस से ऐसे कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे कि उसके थ्रू फिर कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है वो इस तरह काम करेगा कि आपका जो इमेज है या आपका आपके लिए वो एडिटिंग परफॉर्म करेगा, ठीक है। आप लोगों को अब समझ आ गई ही, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं और डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर किस तरह फंक्शन करते हैं? सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और हर एक इंस्ट्रक्शन डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है, ठीक है। तो इसी वजह से इन ये के बाद जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि हार्डवेयर जनरल पर्पज़ होगा, एक ही कंप्यूटर होगा, लेकिन वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो उसी डिफरेंट टास्क के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम करते हैं। इसी वजह से फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की एक पूरी फील्ड इमर्ज हो गई, ठीक है। और आजकल बहुत सारे लोग इन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं। ये हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोचेस की दो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये पहला वाला जो है ये हमारे पास हार्डवायर्ड है, सॉरी, ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है हार्डवायर्ड प्रोग्राम की। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक
डिवाइस है जो बनी है किस चीज़ से, लॉजिक गेट से, जो क्या करता है, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, ठीक है, और डेटा पे परफॉर्म करता है और हमें रिजल्ट आउटपुट पे देता है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये अब हमारे पास जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है वो ये है, ठीक है, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या इस तरह है जो हार्डवायर प्रोग्राम पे काम नहीं करता, ठीक है। सीपीयू में एक इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर होता है, इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर क्या करता है, वो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर में कोड्स होते हैं उनको किस चीज़ में कंट्रोल करता है, कन्वर्ट करता है कंट्रोल सिग्नल्स में, ठीक है। उसी कंट्रोल सिग्नल्स को फिर कौन परफॉर्म करता है, जनरल पर्पस अरिथमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन, इस पे जो ये जो हार्डवेयर है इसी कंट्रोल सिग्नल्स को अप्लाई करता है किस चीज़ पे, इन्हीं डेटा पे परफॉर्म करता है और हमें क्या देता है, आउटपुट पे रिजल्ट हमें आउटपुट पे देता है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल, भी ये इसी इसी प्रीवियस वाले के साथ रिलेटेड है, ठीक है। सो जिस तरह भी पिछले पिछले स्लाइड में मैंने ये डिस्कस किया कि ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर एंड जनरल पर्पस एरिथमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, इन दोनों को मिला के सीपीयू बनता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका मतलब ये है कि दिस आर द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ अ सीपीयू, ठीक है, जो आजकल हमारे पास कंप्यूटर्स है इनका सीपीयू। सो अब इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल क्या है, सो अ कंप्यूटर टू फंक्शन प्रॉपरली, इसका मतलब ये कि अगर कंप्यूटर को अगर आप लोग प्रॉपरली ऑपरेट करें तो उसके लिए सीपीयू की भी ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट्स हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले ये है कि इनपुट मॉड्यूल होना चाहिए। इनपुट मॉड्यूल का फंक्शन क्या होगा, वो एक्चुअली डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसर के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शन देगा, इनपुट और इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आउटपुट की, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस की, सही है। ये टॉपिक हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। सो द मेन फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस इज दैट कि इट विल प्रोवाइड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर प्रोसेसिंग। और आउटपुट डिवाइस क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस हमको उसी प्रोसेसिंग की का जो आउटपुट का जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए अगर कंप्यूटर फंक्शन करे तो हमारे लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की ज़रूरत है, इनपुट मॉड्यूल की ज़रूरत है और आउटपुट मॉड्यूल की ज़रूरत है। इनपुट मॉड्यूल ऐसा हो कि जिसके थ्रू हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर कर लें और इनपुट ऐसे कंपोनेंट से इंटरनली बना हो कि वो इन डेटा और इंस्ट्रक्शन को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें। इसका मतलब ये है कि हम ABC में डेटा एंटर करें, 1, 2, 3 में डेटा एंटर करें और कीबोर्ड के इंटरनल कंपोनेंट्स उसको वंस और जीरोज में कन्वर्ट कर लें। तो दिस इज एक्चुअली इनपुट मॉड्यूल एंड आउटपुट मॉड्यूल। इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर को फंक्शन करने के लिए एक फोर्थ कंपोनेंट की भी ज़रूरत है, ठीक है। फोर्थ कंपोनेंट क्या है, फोर्थ कंपोनेंट है हमारे पास वो है मेन मेमोरी या मेमोरी, ठीक है। मेन मेमोरी इसलिए कहते हैं कि हमारे पास हार्ड डिस्क भी अ सॉर्ट ऑफ मेमोरी है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू वी कॉल इट अ मेन मेमोरी, ठीक है। तो रैम की क्यों ज़रूरत है, जिस तरह वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में कहा गया था कि हमारे पास प्रोसेसिंग के दौरान एक मेमोरी स्पेस भी होनी चाहिए, ठीक है। तो लास्ट टाइम भी मैंने ये डिस्कस किया था कि प्रोसेसिंग स्टैंड एलोन काम नहीं होता, कि भाई प्रोसेसर एक काम करे और उसको फंक्शन करने के लिए कोई और डेटा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि प्रोसेसिंग के दौरान प्रोसेसर के लिए कुछ ऐसी डेटा और इंस्ट्रक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी जो ऑलरेडी हमारे पास रैम में होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर प्रोसेसर प्रोसेसिंग करें, ठीक है, और उसके प्रोसेसिंग के दौरान उसको ऐसे डेटा और इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ जाए जो रैम में ना हो तो फिर डिले आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रैम में हमारे पास ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस और डेटा पड़े हों ताकि प्रोसेसर प्रोसेसिंग के दौरान उस डेटा और इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर सके और अपना काम परफॉर्म कर सके, ठीक है। और इसी तरह कंप्यूटर का मेन काम क्या है, टू एग्जीक्यूट और इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, ठीक है, और हमें आउटपुट दे दें। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे
एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन साइकिल। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज़।